सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु IAS नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर CSET एग्जाम प्रिपरेशन और आप कह सकते हैं GS पेपर टू। अब वो हमारे पास एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है, मतलब छः के दिन अराउंड बचे हैं। संडे को आपका एग्ज़ाम है अगले संडे। तो स्टूडेंट देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में और हर लेक्चर में भी यही बताऊंगा मैं, कोई नया टॉपिक प्लीज़ मत पकड़ना। कहने का मतलब क्या है, कोई न्यू टॉपिक ना न्यू टॉपिक मत करना। रिवीजन पे जोर दे लो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके सिवा कुछ के एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जोर दे सकते हो तो दे लो, इसके लिए टाइम है आपके पास, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप इजीली मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, आपको जो एग्जाम है ना, तीन भागों में बटाओ, एक दो तीन, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन का मार्जिन है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास के, 25 थोड़ा ऊपर नीचे है। तो ये सोच के चलो कि अगर इंग्लिश में आपने थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लिया, 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, तो आपको यहाँ पे ना बहुत पुशअप मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन ना हो स्किप कर दो फॉर अ वाइल, एज कम्पेयर टू कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, थोड़ा सा स्किप करके देखिए, उसको टाइम दीजिए, नॉर्मल हो जाइए, ठीक है, तब उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वो भी सबसे एंड में। क्लियर? सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेशन नंबर 19 हमारा आज फाइनल बैटल, बस ऑलमोस्ट सब इस बैटल के लिए हम लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं, अब चलेंगे नेक्स्ट पे। चलिए, ये हमारी लास्ट ईयर की सिलेक्शंस हैं, मतलब ये जो सेशन अभी हमारा ख़त्म हुआ, बात करूँगा मैं 23-24 की, 16, 63, 78, 111, 211, 135, 141, 213, 215, 319, 336, 387, 391, 428, 603, 905, 785, 803 and 929, these are our selection। 25,000 selections और 2300 से ज़्यादा selections सोच के लास्ट के 25 साल में हम इतने ऑफिसर्स यहाँ से बन के जा चुके हैं। तो आप भी बनिए, आप भी फोटो लगवाइए और प्लीज़ जुड़िए। फर्दर कोई डाउट हो तो आपको एक नंबर बता रहा हूँ, 9571777165। इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपकी पूरी आपको जानकारी देगी, पूरी मेंटरशिप की जाएगी और सब कुछ बताया जाएगा। क्लियर? और डाउट को सॉल्व किया जाएगा। यस, वी आर बैक इन चंडीगढ़ वेयर, प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग, सेक्टर 25 में हम वापस आ चुके हैं। और आप लोकेशन अगर ना पता चले तो इस बार कोड को स्कैन करके भी आप लोकेशन पे जा सकते हैं। क्लियर? सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन बोटेंस टीम से। मैं थोड़ा सा अर्थमेटिक पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक को जरा आप लोग हल्के में ले रहे हो, ठीक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने जरूरी है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5 km/h मोर देन स्पीड ऑफ द करंट, यानी स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया मेरे पास, अगर इसको मान लो x km/h, तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी होगी मेरे पास, x+5 km/h। क्लियर? अब क्या दिया है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5 km मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट एंड स्पीड ऑफ एंड रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू स्पीड बोट इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ द बोट। बेसिकली मुझे ये दिया हुआ है 4/3, मुझे इसको इनकाउंटर करना है। जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए और करिए। क्या देखो, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बेसिकली मेरे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ दी वाटर प्लस स्पीड ऑफ दी आपकी बोट। तो ये कितना हो गया मेरे पास, x plus 5 divided by x plus 5 = 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 times of 2x plus 5 = 4 times of x plus 5। मुझे क्योंकि जब तक मैं इस x की वैल्यू निकाल लूँगा आगे मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, इनकाउंटर नहीं कर सकता, तो 6x plus 15 = 4x plus 20। तो ये कितना आ गया, 6x minus 4x
इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 15, तो ये कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब मुझे क्या करें, फाइंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड द बोट इन 3 आवर्स। अब स्पीड ऑफ दी डाउनस्ट्रीम क्या थी मेरे पास, 2x प्लस 5 थी, हाँ जी, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आ गया मेरे पास, 2x प्लस 5, 2 × 5/2 + 5, यानी कितना का 10 km/h आ गया। तो आपके पास क्या निकालना है, कितने घंटे में निकालना है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, हाउ मच, 3 आवर्स, तो 10 × 3 आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30 km/h, या सॉरी 30 डिस्टेंस है तो 30 किलोमीटर। मैं आपको अभी भी एक बात बता दूं, सी सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत बड़ी वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसकी तैयारी को करना, कॉन्सेंट रहना बड़ी बात है। बड़े सारे बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, वो आधे में क्यों छोड़ देते, रीज़न क्या होता है, कॉन्सेंट नहीं रह पाते, कॉन्टीन्यूस नहीं रह पाते वो। कॉन्टीन्यूटी तो आपको प्रोग्रेस करवाएगी, अगर आप कॉन्टीन्यूस नहीं हो तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है आपके लिए, ठीक है, फिर वो बाहर बोझ चलता 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 चला जाता है। चलिए नेक्स्ट इज, आ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 450 मीटर एंड 700 मीटर इन 20 सेकंड एंड 30 सेकंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। प्लीज करिए करिए इस क्वेश्चन को, चलिए करिए क्वेश्चन प्लीज। क्या दिया है, आ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज एंड अ प्लेटफॉर्म, देखो मैंने माना लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स मीटर होगी, अच्छा लेंथ ऑफ ट्रेन इज एक्स मीटर, अच्छा अ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज एंड अ प्लेटफॉर्म बोल रहे थे 450 मीटर लेंथ ऑफ ब्रिज, 450 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 700 मीटर, ठीक है, इन 20 सेकंड में 30 सेकंड रिस्पेक्टिवली, कितने सेकंड में, 30 एंड 20। देखो केसेस बनाओ, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, करने से पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, कैसे करना है वो तो दूर की बात है, बट करना क्या रास्ता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, केस वन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यानी इसको भी छोड़ दो, चलो एक छोटा सा जनरल एग्जांपल लेते हैं, केस वन की अगर मैं बात करूं, मुझे क्या दिया है कि अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 450 मीटर को कवर करता हूं तो कितना टाइम लग रहा है मेरे पास, 20 सेकंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 700 मीटर को कवर कर रहा हूं तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड, क्लियर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, एक माइंडसेट क्या रहना चाहिए आपका, कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कांस्टेंट है, यस, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन कांस्टेंट है, ये कितना डिफरेंस है मेरे पास, 250, कि अगर मैं 250 मीटर और चलूँ तो मुझे कितना सेकंड टाइम लगेगा, क्योंकि देखो लेंथ ऑफ ट्रेन तो आप बराबर ही चल रहे हो, पहले केस में मैं चला 450, दूसरे केस में चला मैं 700, कि अगर मैं कॉन्टिन्यूसली चलता रहूँ, मैं 250 मीटर और चल जाऊँ तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है, तो 30 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब अगर मैं 10 सेकंड चलूं तो मुझे 250 मीटर चलना पड़ेगा, यानी मैं क्या कह सकता हूं, 10 सेकंड में मैं कितना चलूंगा, 250 मीटर, 1 सेकंड में क्या चलूंगा, 25 मीटर, यानी स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड, ख़त्म। क्या यही पूछ रहे हैं मुझसे, स्पीड ऑफ द ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो इट वॉज अ क्लेवर क्वेश्चन, इट वॉज अ मतलब नॉन राइटिंग वाला था ये, कि आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन से आप कर रहे थे, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इजीली कर सकते थे कि 250, बात खत्म, 25 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मिस है शायद बीच में, कोई नहीं, हाँ चलो
16 ईयर हैंस द एज ऑफ रश्मि विल बी 10/13 ऑफ एज ऑफ हर फ्रेंड नेहा 8 ईयर अगो द रेशो ऑफ देयर एज रश्मि एंड नेहा वॉज 4:7 प्रेजेंट एज ऑफ नेहा इज वट परसेंटेज मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि देखो क्या 16 ईयर हैंस अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ मैंने प्रेजेंट की बात की कुछ भी है जो मुझे नहीं लेना 16 ईयर हैंस मुझे कुछ नहीं लेना देना 16 ईयर हैंस यानी प्रेजेंट 16 साल के बाद बात कर तो रश्मि एंड नेहा रश्मि एंड नेहा यही है अच्छा मुझे क्या बोल रहे हैं रश्मि विल बी 10/13 मतलब 16 साल के बाद 10/13 ये इनकी एज का रेशो है इजंट इट ठीक है अच्छा 8 ईयर अगो ये मतलब यहाँ से 8 ईयर अगो द रेशो ऑफ देयर एज विल बी वॉज 4:7 नॉट विल बी वॉज अगो पहले और आफ्टर बाद में ठीक है अब देखो जब भी मेरे पास ये स्ट्रक्चर होता है तो मुझे क्या करना होता है देखो रेशमि ने रश्मि ने है ये 4 है ये 7 है ये 10 है और ये 13 है यानी अगर आप ध्यान से देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 ये कितना है प्लस 6 कहने का मतलब क्या है कि आपके पास बिल्कुल सुटेबल कंडीशन बन चुकी है इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब देखो जरा नेक्स्ट क्या मेरे पास नेक्स्ट क्या बोल रहा है कितना टाइम लगा है अगर यहाँ से यहाँ 6 है 16 और 8 कितना 24 यानी 6 की वैल्यू कितनी हुई 24 1 की वैल्यू कितनी हुई 4 मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ नेहा इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एज ऑफ रश्मि देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो रश्मि की एज 16 साल है 2 4 और नेहा की आज 28 साल है ये कब है ये प्रेजेंट डे से 8 साल पहले तो 8 साल और बढ़ा करो इन्हें जरा प्लस 8 कितना हो आपके पास 36 तो कितना आ गया तो ये कितना आ गया मेरे पास तो ये कितना हो गया मेरे पास बेसिकली कितना है 2:3 आया यानी 1:2 पे कितना हो गया 50% ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि 24 36 या आप ऐसे कर सकते थे 12 का प्रॉफिट कितने पे 24 से 1/2 कितना हुआ मेरे पास 50% क्लियर सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो जल्दी से नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं क्लियर है चलो इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या दिया आज शॉपकीपर मिक्सेस एक्स के जी टी और 1 वैरायटी कॉस्ट ₹260 पर के जी एंड एक्स प्लस 8 के जी टी ऑफ अदर वैरायटी कॉस्ट 320 पर के जी एंड आफ्टर सेलिंग द मिक्सर एट 357 पर के जी ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस प्लस मिक्सर का क्वेश्चन है आपके पास किसका क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस प्लस मिक्सचर का क्वेश्चन है ये क्लियर अब दो चीजें समझो शॉपकीपर मिक्सेस एक्स के जी वैरायटी अब आपको क्या लग रहा है क्या हुआ अब इस एक्स और एक्स प्लस 8 को बाद में टैकल करना जरा पहले क्या दिया होगा पहले एक्स के जी है हो जान दो कोई दिक्कत नहीं है इस एक्स के जी वाले का प्राइस कितना है अगर मैं एक्स के जी की बात करूँ उसका प्राइस कितना है 260 और इस x प्लस 8 का कितना है 320 और ये क्या है मेरे पास 260 320 क्या है ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है तो डेफिनेटली जो यहां आएगा वो भी कॉस्ट प्राइस आना चाहिए बट ये क्या है ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है कितने प्रॉफिट में 20% बच्चे यहीं गलती करते हैं बेसिकली
गलती करते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो 20% का मतलब कितना होता है मेरे पास, 1/5, यानी सी पी रेशो एस पी कितना है मेरे पास, 5:6, सिंपल। यानी 6 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 357, कितना टाइम्स 357 बाय 6, 59.5 टाइम्स, 60 से 3 कम 3/6, तो ये भी कितना होगा 59.6 टाइम्स, सॉरी 59.5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 297 हो गया। यानी ये मेरे को 297.5 की पड़ी होगी बेसिकली, इतना सा समझो। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 297.5, माइनस कीजिए कितना है 22.5, और ये कितना आएगा आपके पास 37.5, तो ये बेसिकली कितना है 225 375, 3 आ गया। अब देखो, अब इस 3:5 ये क्या है, रुपीस पर केजी। मैंने बहुत बार बताया, जब ये भी रुपीस पर केजी है, ये भी रुपीस पर केजी, ये भी रुपीस पर केजी है, जब आप रुपीस पर केजी को इनकाउंटर करते हो ना, तो पर के साथ वाले जो ये चीज़ होती है ना, जो भी ये यूनिट होती है आपकी, यही मेरे पास क्या होता है, यही मेरे पास यहाँ पे रेशो आती है। तो ये किसका रेशो आ गया बेसिकली, क्वांटिटी का, कि 3:5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या, ये एक्स के जी है, ये कितना के जी है, 8 kg है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 का 3:5, 2 की वैल्यू कितनी 8, 1 ही 4, तो 12 होगा, और ये कितना होगा 20, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपने ऐसे करना था, क्लियर है। चलिए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको ज़रा। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर द रेशो ऑफ शुगर टू वाटर इज 3:5, इफ 30% ऑफ दिस सोल्यूशन इज टेकन आउट, एंड इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड 5% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज एडेड एज वाटर टू द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, देन फाइंड द न्यू रेशो ऑफ शुगर एंड वाटर इन द सोल्यूशन। देखो मेरे को क्या दिया है, शुगर एंड वाटर किसमें दिया है, मैंने माना 30 और 50 है ये, ठीक है, मैंने माना 30 50, इफ 30% ऑफ टोटल 80 हो गया, टोटलिटी हो गया। देखो इसमें से क्या क्या, 30% निकाल लिया, इसका 30% माइनस 24 हो गया। देखो अगर इसका टोटल का 30% निकल रहा है, तो आप क्या कहोगे कि इसका भी 30% निकलेगा माइनस 9, और इसका भी माइनस 30, यानी कितना 15, तो ये कितना बच गया 21, और ये कितना बच गया आपके पास 35, हाँ जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझनी है बात। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, वो नेक्स्ट आपको क्या कर रहा है, ये बच गया मेरे पास 35, क्लियर है, 21 और 35। अब क्या बोला जा रहा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज एडेड टू वाटर, अब 5% इनिशियल क्वांटिटी का, अब 5% ऑफ इनिशियल रिमेन, 30% ऑफ दिस सोल्यूशन इज टेकन आउट एंड 5% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज एडेड, इसका 5% इज वाटर आपने ऐड कर दिया,
कितना ऐड किया होगा? 80 का 5%, 8×40 यानी 4 आपने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया शुगर और वाटर, ये 21 था और ये कितना हो गया 39 हो गया। अच्छा अब मुझे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द न्यू रेशो ऑफ शुगर, बिल्कुल इजी हो गया। देखो 3, 7 और 3, 13 क्लियर, 7, 13 ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं करना था आपको एक्स्ट्रा। क्लियर, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517165, कॉल और व्हाट्सएप करना मत भूलिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, आफ्टर सेलिंग 5 पेंस आ शॉपकीपर परचेसेस 2 पेंस इज द प्रॉफिट ऑब्टेंड आफ्टर सेलिंग 5 पेंस ही इफ ही अर्न्स 20 रुपीज 20 ऑन सेलिंग अ पेन देन फाइंड एसपी ऑफ द पेन। इजी, बहुत इजी। देखो ये दो क्या है मेरे पास, अगर दो पेन की बात करें प्रॉफिट हो गया, मेरे पास प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस ऑफ सीपी। क्या एसपी माइनस सीपी होता है मेरे पास? एसपी माइनस सीपी होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा प्रॉफिट क्या है मेरे पास, मतलब कब हुआ है, जब हमने 5 पेन बेचे हैं, यानी 5 ऑफ एसपी माइनस ऑफ सीपी इज इक्वल टू कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास, 2 पेन का, यानी 2 ऑफ सीपी का हो रहा है। इसको सॉल्व करके सीपीएसपी की पहले रेशो निकाल लेते हैं, तो कितना है, फाइव एस पी माइनस ऑफ 5 सीपी बराबर 2 सीपी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे 7 सीपी बराबर 5 एसपी, सीपी अपॉन एसपी 5/7, यानी सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना, 7 है। मुझे क्या बोल रहा है, ही अर्न्स 20, कितने का प्रॉफिट हो रहा है जी, यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू कितनी है 10, तो ये होगा 50 और ये होगा मेरे पास 70। क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस एक ही 70 रुपीज़। क्लियर, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए होपफुली क्लियर हो गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए क्या दिया, ये बच्चा ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, यस क्या दिया, 21 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्किंग 20 डेज बाय वर्किंग 10 आवर्स अ डे। देखो अभी मैं कुछ समय से आपको अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, रीज़न क्या है इसका, रीज़न इसका ये है कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पीछे ऐसे भाग रहे हो ना पूरी ड्रेस में कि इसको छोड़ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। क्या दिया है, 21 वुमेन काम कर रही है कैसे, 20 मल्टीप्लाई वर्किंग 10 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज 21 मैन विल बी कंप्लीट, मतलब ये काम अब किसको करना है, 21 मैन को जब क्या कर रहे हैं, 8 डेज ऑफ वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज यही निकालना है मुझे, बेसिक जो मेरे पास कंडीशन है वो क्वेश्चन की है। बट यहाँ पे एफिशिएंसी तो दी नहीं, एफिशिएंसी कहाँ से मिलेगी, 3 मैन वर्क एज मच एज 5 वुमेन, यानी 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, तो मैन नंबर ऑफ वुमेन कितना आ गया मेरे पास, 5/3, मैन नंबर ऑफ वुमेन कितना आ गया मेरे पास 5/3 की, मैन की एफिशिएंसी 5 है, वुमेन की कितनी आ गई 3, बस यहाँ पुट कर दो 21 × 3 × 20 × 10 इज इक्वल टू 20 इंटू मैन कितने है 5 × 8 × d। क्लियर, देखो 21 से कटा 21, 8×5=40, 20 × 2 = 2, 5×5 = 3 कितना हो गया 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द
वीडियो में अभी भी कह रहा हूँ कर लो भाई कर लो, भी है टाइम, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपकी, आपसे मेरी, ठीक है। नेक्स्ट इज यस वी आर बैक इन चंडीगढ़, इट्स प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर, पंजाब केसरी बिल्डिंग, ओके, सेक्टर 25। आप स्कैन भी कर सकते हैं इस बार कोड को, क्लियर आगे बात। चलिए नेक्स्ट इज दिस वर अवर सिलेक्शन रैंक नंबर 16, 63, 78, 112, 121, 135, 141, 213, 215, 386, 378, 391, 428, 603, 705, 785, 803 and 929, क्लियर। एंड 25+ सिलेक्शन फ्रॉम द सेशन 202324 एंड 2300 से ज़्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं अभी तक पिछले 25 साल में, क्लियर। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई मेंटरशिप चाहिए, कुछ भी चाहिए, जस्ट गिव मी कॉल ऑन दिस नंबर, क्लियर। आपके अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जिसमें सारे सारे वीडियोस, सारे लिंक्स, सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाते हैं, तो प्लीज़ उस या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है वो वहीं पे आपको सॉल्व की जाएगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके साथ माइक्रो कोर्सेज की, जो इस टाइम बहुत ज़रूरी है। क्या है माइक्रो कोर्स, देखो देखिए abhipeter.abhimanyu.com और नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए यहाँ पे मैं चूज एग्जाम करता हूँ, सी सेट पे आया, ऑल सब्सक्रिप्शन, यहाँ सारे वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज हैं, और दिस आर आवर abhipeter माइक्रो कोर्सेज। देखो माइक्रो कोर्सेज का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग सा है, इसमें आपको पूरा कोर्स नहीं करना, सिर्फ उस टॉपिक, उस चैप्टर पे कंप्लीट फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूँ नंबर सिस्टम, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, 18, 20, 18, 20, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए भी जब आपको डाटा टेबल खुलेगा तो आपको पूरा एनालिसिस के साथ दिखाएंगे, देखो 23 में 19 क्वेश्चन, 22 में 10 क्वेश्चन, 21 में, तो अगर किसी चैप्टर से 1/4 क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है, तो जुड़िए इस चैप्टर के साथ। इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, आपका परसेंटेज होगा, लाइन चार्ट हो गया, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सारी चीज़ें हैं, क्लियर। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकेबिलिटी, इसके भी देख लीजिए, पजल टेस्ट हो गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रैंकिंग एंड ऑर्डर से आपका क्वेश्चन ना बनाओ, ठीक है, उसके बाद क्यूब एंड डाइस। और देखो 1/3 का मतलब कितना है, आपको ऑलमोस्ट 26-27 क्वेश्चन ठीक करने हैं पूरे पेपर में। किसी के इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो बहुत इजीली सी सेट को क्रैक कर सकता है। यहाँ पे देखिए क्या है मेरे पास, अभी डेटा टेबल खुलेगा तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको 26-27 क्वेश्चन क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, और हर बार 25-26 क्वेश्चन आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आ रहे हैं, ठीक है। देखिए 23 में 26 क्वेश्चन, 22 में 27, 21 में 27, 22 में 20 में 25, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिल रहा है आपको, देखो अगर अभी भी आप ये बहुत इजीली आप कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आपके पास 10 लेक्चर से एक वैम नोट से ऑलमोस्ट 1100 के अराउंड क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, क्लियर। नेक्स्ट अगर आपको काउंसलिंग सेशन बुक करना, तो यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ेगी, आपको गाइड किया जाएगा, मेंटर किया जाएगा, और आपके साथ बैठ के बातचीत होगी सब कुछ कि किस तरह से प्रॉब्लम आ रही, क्या आ रही है। मिलिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, द नंबर इज 9517771651। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, वी आर वेटिंग फॉर यू, कम बैक, कम, थैंक यू।